हाँ जी तो अभी तक हमने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन परमिटेशन एंड कम्बिनेशन की वो सॉलू कर ली हमने अब चैप्टर सेवन जो है इसकी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू पर हम आते हैं हम थोड़ा सा इसकी जो है ना इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे सेवन पॉइंट टू का ठीक है फिर एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू सॉलू करेंगे ठीक है तो इसमें जो है हमने पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था काउंटिंग रूल ठीक है फंडामेंटल काउंटिंग रूल अब इस वाली एक्सरसाइज में हमने डेफिनेशन पढ़नी है परमिट्यूशन ठीक है परमिटन होता तक है ठीक है तो वो चीज़ आपको बताने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ ये एन पे भी है ठीक है मान लो कि आपके पास वर्ड रोज है ठीक है आपसे पूछा जा रहा है हाउ मनी Words with or without meaning, okay. can you form?

जो मैंने आपको बोला था द रिजल्ट विल बी फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है ये भी बोला था ये इसके इक्वल होता है दैट इज दैट इज टी फोर वर्ड्स आप बना सकते हो जिनकी कोई मीनिंग हो या ना हो लेकिन आप बना सकते हो ट्वेंटी फोर यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस ठीक इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है वहां पे आपको बोला जाता है कि आप ये वर्ड कंसीडर करो नंबर ठीक है फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाउ मनी थ्री लेटर वर्ड्स हाउ मनी थ्री लेटर वर्ड्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग आप इन छह लेटर्स जो इस इन छह नंबर में है नंबर में है, आप बना सकते हो थ्री लेटर, तो आप क्या बोल, आपने सिक्स नंबर ऑफ चॉइस फॉर दिस इज फाइव एंड द नंबर ऑफ फॉर दिस इज फोर ये तब है जब रिपीटेशन अलाउड है नहीं तब आपके पास क्या आएगा सिक्स फाइव थर्टी थर्टी इंटू फोर दट इज वन टी अब यहीं पे अगर आपको बोला जाए कि आप रिपीट भी कर सकते हो तब आपके पास इसके लिए छ इसके लिए छ इसके लिए छे. तो टोटल में आपके पास टू वन सिक्स 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 थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू सिक्स दट इज़ टू वन सिक्स ठीक है यहाँ तक तो ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं फैक्टोरियल के इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल लिखू ठीक है तो यहां पे ये है six, five, four, अब मुझे यहां से डालना पड़ेगा थ्री टू वन लेकिन वो थ्री टू वन मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ठीक है अगर आप ये देखोगे ये आपने क्या लिखा सिक्स फैक्टोरियल नीचे में आपने क्या लिखा थ्री फैक्टोरियल तो ये चीज़ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री थ्री तो ये वापस ठीक है ये क्यों मैं लिखा रहा हूँ ये बाद आ गई ठीक है एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ हमारे पास कोई स्टेट आप ले लो ठीक है उसके जो डिस्ट्रिक्स है वो ट्वेंटी है ठीक है अब वहां पे कोई सीएम इलेक्ट होके आता है ठीक है सीएम बना आपसे पहला क्वेश्चन है हाउ मनी वेज कैन ही ही बोले तो सीएम विजिट ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो आपका आंसर ट्वेंटी नाइनटीन तो आपका आंसर शार्ट में ट्वेंटी फैक्टोरियल ठीक है ये क्वेश्चन वन ये आपने सीखा आपसे पूछा जा रहा है हाउ मनी न ही विजिट थ्री डिस्ट्रिक्ट यह कोई भी हो सकते हैं रेंडमली वो किसी भी तीन में जा सकते हैं ठीक है दैट इज आप क्या बोलोगे ट्वेंटी ऐसे ऐसे नंबर ऑफ पर दिस इज ट्वेंटी नंबर ऑफ दिस इज नाइनटीन एंड नंबर ऑफ दिस दिस इज How much? That will come out to be एटी ठीक है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हो How much this will be? This will be बी थर्टी एटी ओके समझ गए ट्वेंटी इंटू दैट इज थ्री एटी ठीक है अब मैं इसको मेरे तरीके से आप इसको प्रोडक्ट करोगे देन यू कैन राइट इट एज दिस एंड देन दिस ठीक है फोर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी दैट इज थ्री एटी अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फोर इंटू एटीन दैट विल कम आउट टू बी सेवेंटी टू एंड दिस इज टू जीरो माइनस एटीन इंटू ट्वेंटी दैट इज थ्री सिक्स जीरो ठीक है सो टोटल में आपको आपके पास क्या मिलेगा

थ्री डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ अमनी ट्वेंटी अब यह चीज़ जो है ये आपने क्या लिखा उसने ट्वेंटी नाइनटीन एटीन अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तब फिर से ट्वेंटी एटीन नाइनटीन सेवेंटीन सिक्सटीन सो वन टू वन नीचे में भी क्या करना पड़ेगा सेवेंटीन सिक्सटीन टू वन ठीक है तो ये टोटल में क्या बना ट्वेंटी फैक्टोरियल अपान सेवनटीन फैक्टोरियल ठीक है अब ट्वेंटी और फिर सेवनटीन फैक्टोरियल ठीक है तो इसको आप लिख क्या सकते हो यू कैन राइट इट एज You can write it as ट्वेंटी फैक्टोरियल upon ट्वेंटी माइनस थ्री फैक्टोरियल दैट is ट्वेंटी upon सेवेंटी ठीक है Now, ये लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में ये जो हम लिखे इसको लिखने का तरीका है ट्वेंटी पी थ्री या ट्वेंटी पी थ्री ठीक है अब ये पी क्या है इट्स परमिटेशन और इसकी हमने डेफिनेशन देनी ठीक है अब परमिटेशन आप बोलोगे किसको जो जो मैं बता रहा हूं आप वैसे लर्न करते जाओगे ठीक है ज्यादा उधर इधर देखने की जरूरत है नहीं जितना भी होगा मैं आपको एनसीआर की जो टेक्स्ट है उससे ज्यादा बोलूंगा ठीक है बट यू आर सपोज टू फॉलो ठीक है अपने बड़ा ध्यान बड़े ध्यान से चीजें देखनी है मैं कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं ठीक है अब परमिटेशन की डेफिनेशन बोलिए मैं आपको सीधे बोलूंगा शार्ट में आप याद रखोगे डिफरेंट शार्ट नहीं, यहां पे कोई यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ये शार्ट में बात आई ठीक है आपको पता है फॉर एन यूनिक आइटम्स आपके पास है एन फैक्टोरियल अरेंजमेंट ये तो आपको पता ही मैंने आपको बताया रखा है ठीक है तो ये जो एग्जाम्पल आपने देखी असल में आपने क्या किया आपके पास सीएम के पास थे ट्वेंटी डिस्ट्रिक ठीक है अब ट्वेंटी में से उन रेंडमली बोला कि मैं तीन में जाऊंगा ठीक है तो इसको परमिटेशन में आप क्या बोलोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फ्रॉम ट्वेंटी टेकन थ्री एट ए टाइम ठीक है ये हम बोलते हैं अब रूल्स आएंगे परमिटेशन के रूल्स ऑफ परमिटेशन and unique items. this like r. is number of arrangements. Taken out from N, and the third is order matters. Just be of order main core, hoge, woe, matter, take that matters, order, teen rule. अब आप सोच रहे हो कि एन एन तो आपको यहाँ पे हमारी इस एग्जाम्पल में पता है एन वॉज ट्वेंटी आर आपको अब समझ आया होगा आर वॉज थ्री ठीक है और आर्डर मैटर करना है ठीक है तो जब मैं अब ये लिखूं ऐसे ये एन पी आर या ये चीज लिखूं इससे आप क्या समझोगे इट्स एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टर ठीक है अब यहां पे जो एन माइनस आर है इज इक्वल टू द नंबर यू डोंट वांट अभी आपके पास यहां पे आया था सेवनटीन फैक्टोरियल सेवनटीन फैक्टोरियल बोले तो ये वो डिस्ट्रिक्स थे जहां पे सीएम को नहीं जाना था ठीक है एन माइनस आर इज ए नंबर यू डोंट वॉन्ट ठीक है आर इज अ नंबर यू वॉन्ट ठीक है आर क्या था हमारे यहां तीन तीन वो नंबर था जहां पे सीएम चाहता था कि वो विजिट करें ठीक है मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए क्लास इलेक्शंस की ये सबको समझ आएगी वैसे तो कुछ है नहीं इसमें जो ना समझ आए ठीक है क्लास इलेक्शन के बारे में आपको बोल रहा हूं आपने क्या करना है आपने सीआर को चूज करना है आपने डिप्टी सी आर को चूज करना है ठीक है आपने क्योंकि क्लास की टीम भी होती है कैप्टन भी चूज करना है आपने फिर उसका वाइस कैप्टन भी ठीक है आप ही का क्लास लेते हैं हम ठीक है आपकी क्लास में बॉयज भी है गर्ल्स भी है। ठीक है बॉयज से मैं बोल रहा हूं और गर्ल्स से भी बोल रहा हूं कि जो है आप चूज करोगे चार बंदे अपने से चूज करके दो बॉयज से बोल रहा हूं और फिर गर्ल से भी बोल रहा हूं कि आप चार लड़कियां चूज करो जो आपको रिप्रेजेंट करेंगी ठीक है दो मैं खुद से चूज कर रहा हूं ठीक है ठीक है तो टोटल में आपके पास कितने है? अब टोटल में है दस आपने पिक कितने करने हैं दस में से चार ठीक है तो आपसे अब आप पूछा जाएगा कि अब बताओ कि ये चार सी आर डिप्टी सी आर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने के कितने तरीके तो आप क्या बोलोगे टेन out of 10 taken 4 at a time that is 10 factorial upon me 10 minus 4 that is 10 factorial upon 6 factorial that is 10 9 8, 7, आगे सिक्स फैक्टोरियल नीचे सिक्स फैक्टोरियल ये और ये तो आपके पास क्या बचेगा नाइनटी इंट फिफ्टी सिक्स अब मेरी तरह करोगे दोन हंड्रेड माइनस टेन और फिफ्टी सिक्स तो किसके इक्वल आएगा ये फाइव सिक्स डबल जीरो माइनस फाइव सिक्सटी दैट इज 5040. इतने तरीके हैं आपके पास कि आप ये चार बंदे सिलेक्ट करोगे ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट परमिटेशन होती क्या है बट आप याद रखोगे मैं सारी चीजें मैंने आपको बोला है मैं बोलूंगा ये जो हमने परमिटेशन की डेफिनेशन या ये नोटेशन पढ़ी ये हमने तब ये तब एप्लीकेबल है जब आपके जो आइटम्स हैं वो सारे ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आगे एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री में यह भी आएगा कि जब ये यूनिकली होगी तब कौन सी फार्मूला लगेगी जिस बंदे ने ये पकड़ लिया नंबर यू डोंट वांट उसके लिए नॉन यूनिक वाला जो टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल आसान होगा